हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अपने घर में सभी सेफ होंगे और सुरक्षित रहेंगे, ये मैं दुआ करती हूँ और होप करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सिंपल मेकअप लुक, ओके, जो हम डेली वेयर में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास घर पे बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, कोई भी हल्का फुल्का फाउंडेशन है, नॉट फुल कवरेज, मीडियम कवरेज, ओके, तो उसके साथ आप ये लुक ट्राई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझा सकूँ, ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं प्यारी प्यारी घर में बैठी हुई हैं, वो भी घर में अच्छे अच्छे तैयार होके सुंदर बन के जो है अपने आप को अपने आप के लिए सुंदर बने, अपने आप के लिए, नॉट फॉर अदर्स, फॉर योरसेल्फ। ओके, तो मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अपना फेस, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, जो मर्जी है, अपना फेस वॉश करने के बाद टोनर जरूर 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 यूज़ करें। तो मैं ये कर रही हूँ स्पेसिफिक का हाइड्रेटिंग टोनर, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैंने इसको खरीदा था, क्यों खरीदा था, क्योंकि इसके मेंशन लगे हाइड्रेटिंग टोनर है, तो इसीलिए मैंने इसको एक ट्राई दिया था। बट ये वाकई में बहुत अच्छा है, तो मैंने टोनर लिया हाथ पे एंड मैंने अपनी स्किन पे इसको अच्छे से लगाना शुरू कर दिया है। सो ये मुझे इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है, माइल्ड है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल लगी है इसकी। सो जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी स्मेल, तो आप इसको इजीली जो है कोई भी लगा सकता है, क्योंकि मुझे खुद भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं पहले अपने बाल टाई कर लूँगी, ओके, क्योंकि मैं बाल खोल के ना मेकअप कर नहीं पाती, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर सकती। सो मैंने अपने बाल कर लिए टाई, तो अब मैं लगाऊंगी अपना पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, सुपर लाइट जेल। मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है कुछ, तो इसकी फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ जैसे आप बॉडी डिओड्रेंट्स लगाते हैं, काइंड ऑफ वैसी है। सो इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगी मुझे, तो वैसे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग है मेरे लिए। वैसे ये अपने हिसाब से वर्क बहुत अच्छा करता है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। समर्स में क्या होता है, मेरी स्किन जो है काइंड ऑफ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, जब मुझे स्वेट आना शुरू होता है, पसीना आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन होता है। तो ये जब मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ तो इससे मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन नहीं होता है, ठीक है, ये एकदम मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और मेरी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, हाइड्रेटेड हो जाती है मेरी स्किन। आप देख सकते हैं एक हल्का सा ग्लो, हल्का सा शीन आ चुका है स्किन पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने अपने फेस को थोड़ा सा हल्का 30 सेकेंड्स का रेस्ट दिया था, तो इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ कलर बार का प्राइमर। आप देख सकते हैं अच्छे से प्रोडक्ट्स, जो भी मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी वही मैं लगाऊंगी। तो आप मुझे बता सकते हैं अपने रिक्वेस्टेड वीडियोस, आप बता सकते हैं आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपको वो भी जो है गाइड करूंगी कि उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि जो कि है लॉकडाउन चल रहा है, सबको पता है। तो मैं चाहती हूँ कि घर पे जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप कोशिश करें कि उसी से ही आप अपना मेकअप करें। और अगर आप फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेकअप करना सीखूं, आपको नहीं आता या हो नहीं पाता, तो कैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप मुझे उनका नाम मेंशन कीजिए, आप डीएम में मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको बताऊंगी कि उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ आप कैसे मेकअप कर सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी गार्नियर की बीबी क्रीम प्योर एक्टिव, दिस इज़ माई फेवरेट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइट क्लियर शेड है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ी लगती है स्किन पे, कम लगती है, और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इतना ही लिया है, तो मैं इसको इस तरीके से अप्लाई करूँगी
आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको अप्लाई करूँगी। मैं एकदम से इसको अप्लाई नहीं करूँगी, धीरे धीरे मैं इसको अपने स्किन पे लगाऊंगी और आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आपके पास घर पर कोई भी बीबी क्रीम है, कोई भी सीसी क्रीम है, लक्मे की है, कलर बार की है या कोई भी कंपनी की है, तो आप उसी से काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही हो। आजकल मेरे ख्याल से फेयर एंड लवली की भी बीबी क्रीम आई है, तो आप उसी से भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी कर सकते हैं आपके पास बीबी या सीसी। अब मैंने लिया है ये ब्रश और मैं इससे करूँगी अपनी बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड। मैं स्पॉन्ज से बीबी क्रीम को ब्लेंड नहीं करती क्योंकि बीबी क्रीम की कवरेज जो होती है वो फुल कवरेज नहीं होती है, तो उससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, क्योंकि हमको थोड़ी तो चाहिए ना फेस पे कवरेज, थोड़ी बहुत चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको ब्रश से ब्लेंड करूँगी जिससे कि ये थोड़ी मुझे मीडियम कवरेज भी रहेगी। आप देख सकते हैं इसकी कवरेज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो को लेकर या किसी प्रोडक्ट को लेकर डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब मैंने बेबी क्रीम बर्न कर लिया अच्छे से, आप अपने मेरे फेस का टेक्सचर अच्छे से देख सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी मेबेलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर मीडियम 25 जो मेरा शेड है, तो मैं इसको लगाऊंगी, बट मैं इसको भी बहुत ज़्यादा हल्का ही लगाऊंगी बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। मैं इसको हल्का ही लगाऊंगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाकई में मेरी स्किन को ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी, वरना मैं नहीं लगाऊंगी। तो आइस के ऊपर हल्का लगाऊंगी और पहले मैं इसको अपनी फिंगर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसको भी चाहे आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, तो मैं आपको ब्रश से भी इसको करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ब्रश से भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रही है कंसीलर, और अगर आप इसको स्पॉन्ज से करेंगे तो स्पॉन्ज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, फिंगर से करेंगे तो फिंगर से भी हो जाएगी, ये नहीं है कि नहीं होगी। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें, इस हिसाब से इसको ब्लेंड करें कि आपको जो है एक पैची लुक ना आए, इवन लुक आए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मेरे फेस पे, आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग। और अब जो है मैं अपने क्विकली अपने ब्राउज फिल करती हूँ और वापस जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं क्विकली मैंने अपने ब्राउज फिल कर लिए हैं और अपने मेकअप को मैं सेट करूँगी ये लॉरियल का जो है प्रो मैट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इससे अपने मेकअप को हल्का सेट करूँगी। ये मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है फॉर समर्स। अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, उस कर लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आप ये लगाएंगे और मैं का स्टूडियो फिक्स लगाएंगे, आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। एक्चुअली मुझे तो नहीं लगा, बाकी अपनी में चॉइस है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जब से मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं स्टूडियो फिक्स तो भूल ही गई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है।
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मेरा मेकअप हो चुका है सेट, तो अब मैं करूँगी कॉन्टोर। कॉन्टोर मैं पाउडर कॉन्टोर ही कर रही हूँ बिकॉज समर्स में मैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पाउडर कॉन्टोर ही करूँ, कंफर्टेबल भी होता है और जो मैट लुक मुझे चाहिए होता है वो देता भी है। और मुझे टू मच कॉन्टोर करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नेचुरल ही पसंद है। तो अगर आपको लगता है इस स्टेप पर आकर कि आपको पाउडर कॉन्टोर कंफर्टेबल नहीं है आप, तो आप जो है आप क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते हैं इसी लुक में। आप क्रीम कॉन्टोर कर लीजिए, बट मुझे कंफर्टेबल है समर्स में स्पेशली कि मैं जो है पाउडर कॉन्टोर करूं। और कॉन्टोरिंग मिनिमल होनी चाहिए, मतलब नेचुरल लुक में अगर आप चाहते हैं मेकअप तो बहुत टू मच कॉन्टोरिंग नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको कंफर्टेबल लगे ना लगे, मुझे तो नहीं लगता कंफर्टेबल। सो मैंने कर लिया है कॉन्टोर, तो मैं थोड़ा सा लेस ही रखूँगी कॉन्टोर, कम ही करूँगी कॉन्टोर। अब मैं लगाऊँगी ब्लशर, ये है कलर पार का ब्लशर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका शेड है 002। ओके, तो मैं ब्रश लूँगी और अपना जो है ब्लशर अप्लाई करूँगी। मुझे एक्चुअली ब्लशर भी नेचुरल ही और मैट ही पसंद है, हमको थोड़े से ज़्यादा ब्लशर पसंद होते हैं। हाँ, मुझे ब्लशर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरा ब्लशर जो है वो मैट हो, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। आपके पास कोई भी ब्लशर हो, कोई भी ब्लशर पैलेट हो, आप वही यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको प्रोडक्ट्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको बता रही हूँ कि मैंने ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। बट आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास ब्लशर पैलेट है, मैं थोड़ा नोज़ पे भी लगा रही हूँ, आपके पास ब्लशर पैलेट है तो आप उसमें से कोई भी शेड अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो है उसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने ब्राउज़र शेड से ही हल्का जो है अपने आईज़ का हल्का मेकअप करूँगी, हल्का सिंगल शेड से। अपने आईज़ का मेकअप करने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि आपकी आईज़ पर या तो आप कोई अच्छा कंसीलर नहीं है तो फाउंडेशन ही अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद उसको पाउडर से सेट ज़रूर कीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आई मेकअप कितना इन्हांस होगा अगर आप सिंगल शेड से भी करेंगे तब भी। तो मैं हल्का ब्राउज़र शेड ही लेकर हल्का इसको जो है कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें, इस लुक में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं हल्का बहुत हल्का कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, बस आपकी ब्लेंडिंग एकदम अच्छी से होनी चाहिए। तो मुझे इसके लिए इतना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप और भी शेड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई अलग शेड चाहिए, पिंक शेड में चाहिए, तो आप पिंक शेड में जा सकते हैं। बट मेरे लिए ये शेड परफेक्ट है बिकॉज मैं समर्स में कोशिश करती हूँ कि मेरे लुक थोड़ी हल्की मैट लुक में ही आए। तो अब मैं लगाऊंगी लाइनर, लॉरिया पैलेस का लाइनर, एक्स्ट्रा ब्लैक वॉल्यूम मिलियन लैशेस। ओके, मैं इस लुक में लाइनर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल और सटल लुक चाहिए, तो मैं लाइनर अवॉइड कर रही हूँ और मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मैं अच्छे से लगाऊंगी। मस्कारा का एक अलग से वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला है जिसमें डिटेल में मैंने बताया है कि आप मस्कारा किस तरीके से अच्छे से लगाएं ताकि
आपका जो है लैशेस, आप देख सकते हैं कि आपको फेक लैशेस लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब हर टाइम तो आप लैशेस नहीं लगा सकते। मैंने दोनों लैशेस पे मस्कारा लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ मेबलिन का लिप लाइनर, और ये है शेड 120 विथ चॉकलेट, और ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट लिप लाइनर है। सो सॉरी, मैंने लगा लिया है अपना लिप लाइनर, और मैं लगाऊंगी डियर डार्लिंग टिंट। ये डेयर डार्लिंग टिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मेरे पास तीन चार शेड्स हैं, इसका अलग से मैं आपके लिए रिव्यू करूँगी, और आप देख पाएंगे कि इसका टेक्सचर, जो भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका अलग से मैं रिव्यू कर दूँगी। बट ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरी फाइनल लुक। आप चाहें तो आप लाइनर भी लगा सकते हैं, बट मेरे लिए ये सफिशियंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, डीएम्स कीजिए, और बताइए कि आपकी रिक्वेस्ट वीडियो कौन सी है, और आप किस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी स्पेशल मेकअप के बारे में व्यू चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो शूट करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।